बहुत मजा आने वाला है, आगे देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। Not the first time and probably not the last time we'll hear from him. He's a man on a mission. I'm sure the WWE Universe is dying to know what's going on. Yes, तो आप लोग जानना चाहते हैं ना कि क्या होने वाला है? तो आदि आ चुका है, वो आपको बताएगा कि क्या हुआ है और आगे क्या होगा। जो भी चेंजेस, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी अभी आदि के द्वारा। उठा लिया माइक उन्होंने अपने हाथों में, लोगों में काफी उत्साह है चारों तरफ। तो गाइस, आज मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि हमारे इस नए शो में बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं। पहली बात, ये अब WWE शो नहीं रहा, ये शो बन चुका है YT वालों का, यानी कि आप सब का। इसमें हम किसी भी WWE सुपरस्टार को मौका, ये रोस्टर में मौका नहीं देंगे। और जितने भी खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमारे लिए टूर्नामेंट वन और टूर्नामेंट में अपनी जान लगा दी थी, हमने उन सबको अपने रोस्टर पे रजिस्टर कर लिया दोस्तों। और जैसे कि आप सबने देखा था कि टूर्नामेंट वन और टूर्नामेंट टू जीतने वाले विराज सबके चहेते बन चुके हैं, ठीक है। और वो सुपरस्टार, आप लोग थोड़ा चुप हो जाए, मुझे बोलने दे। मैं जानता हूं कि आप लोग काफी उत्साहित है विराज के लिए, लेकिन पहले मुझे बोलने दीजिए जो आगे की बात है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दो मिनट वेट कीजिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूं। रुक जाइए दोस्तों, सुनिए, इतनी तेज, इतनी आवाज में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। गाइस गाइस प्लीज, विराज आएगा, आएगा जरूर आएगा, आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि विराज का क्या होने वाला है। विराज को अपना चैंपियनशिप बेल्ट आज दांव पे लगाना होगा, और उसके अगेंस्ट में जो खिलाड़ी है वो आप सबका चाहता है, आप सब उसे बहुत पसंद करते हैं और सभी खिलाड़ी उससे डरते हैं, उस खिलाड़ी का नाम है, क्या आप जानना चाहेंगे कौन है? वो खिलाड़ी कोई और नहीं, मैं हूं। भाई साहब, तो आदि ने ये ऐलान कर दिया है कि आज का ये शो जो होने वाला है उसमें चैंपियनशिप बेल्ट दांव पे लगा दी जाएगी। अब हमारा आज का फिनाले जो कि होने वाला है वन ऑफ द बेस्ट बेस्टेस्ट सुपरस्टार WWE YT वर्ल्ड के, आदि जो कि खेलने वाले हैं ये मैच विराज के अगेंस्ट फॉर द YT चैंपियनशिप। उन्होंने चैलेंज किया है विराज को, और उनका कहना है कि ये चैंपियनशिप विराज आज अपने साथ घर नहीं ले जा सकते। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ये चैंपियनशिप विराज अपने साथ लेके नहीं जाने वाले हैं आज। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसके पहले भी उनके काफ़ी कुछ ऐलान उन्होंने किया था। आदि भाई वर्सेस सादी पंडाल नहीं नहीं अरे वो मस्त है, वो बैट ऑन करो, बैट देखते हैं। The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Mumbai, India, weighing in at 220 pounds, the Urban Gladiator, the Warlock, the Innovator, Andy.
one lives up to the hype, Myron. We're in for an amazing match here tonight. There's no reason to think this one won't live up to the hype, Michael. We're looking at some of the most intense competitors in all of WWE. I gotta say, guys, he doesn't appear to be in the mood here tonight. He's not the only one, Cole. I gotta say, I'm not really in the mood to be sitting next to you two. But hey, we do what we have to do. Chat miss. ये मेरा गुस्सा था, मेरा मनी इन द बैंक के लिए क्रैबी 13. यस, कैरी मिनाती ने गुस्सा दिखा दिया क्योंकि उनका जो मनी इन द बैंक बैक था उसे वापस ले लिया WWE वालों ने, जिसके चलते वो काफ़ी गुस्से में है. लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते. क्रैबी 13 और कैरी मिनाती, हम लोगों ने ये एक नया शो बनाया है WWE से अलग, तो इसीलिए आपके साथ ऐसा हो गया. उसके लिए आई एम सॉरी. From New York, weighing in at 220 pounds, one half of the X Factor, Youngblood, V. Rage. As we ready for singles action. हाँ सुमन कुमार, आपका जो मैच है इसके बाद होगा. I can say that both of these superstars come into this match incredibly hungry to prove their dominance here tonight. But as we all know, only one will walk away with their arm raised in victory. इसके बाद सुमन कुमार वाला मैच होगा भाई, चार लोगों का फैटल फोर वे होगा. Is that he always shows respect for his opposition. And I assure you that is not an easy thing to do, especially. गाइस, आज का हमारा थंबनेल कैसा लगा? Not a fair match. Yes, Viraj bhai, not a fair match. फिर से होगा. Extensive offensive repertoire, lasting endurance, and an insatiable appetite to be number one. Seems to me like Berman is ready for what will likely be an amazing match. इंतजार करते हुए विराज का आदि, मुझे रहना ही नहीं है, मेरा कैरेक्टर डिलीट कर दो. विराज काफी नाराज है, लेकिन हमने आपको एक मौका दिया विराज भाई, चिंता ना करें. Ooh, right to the gut. Not showing much fight here. Yeah, it looks absolutely out of it, Cole. जीत गया आदि, अरे जीता नहीं है अभी. काफी उत्साहित है आदि, उन्हें पता है कि ये मैच ऑलमोस्ट उनके मुट्ठी में. अरे नहीं, इसके साथ ही पलटवार कर दिया है, पलटवार कर दिया विराज ने. Oh my God! Still seems a little early. Adi, read my chat. क्या बोल रहे टैसन? जल्दी बोल. क्या करना चाहता है? Oh नहीं. Kick right in the gut. Read my comment. टैसन क्या बोल रहा है? जल्दी बोल. अरे मैं जल्दी से कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ. Boom right in the. आप कब? कैश इन माई मनी इन द बैंक. ओ माई गॉड, और इसके साथ ही कैश इन कर लिया है टाइसन ने, हमारे मनी इन द बैंक विनर टाइसन ने अभी के अभी कैश इन कर दिया. गाइस, क्या वो समय रहते अंदर आ पाएंगे ये देखना है. आदि की बुरी हालत है, वैसे तो उठा के पटक रहे हैं. This is how people end up getting hurt. We want MITB cash in from Tyson. Yes, cash in kiya unhone abhi. Aa iske sath hi Tyson aa gaye apna bag leke andar. Yes. Ye match ab ek triple threat match ho sakta hai. Kyunki MITB yani ki money in the bank cash in kar liya hai Tyson ne. Oh bhai, Adi ki to halat kharab hai. There are so many
variables in a triple threat, does that make it possible to execute any sort of strategy? Well, everybody's got a plan until they get... Did you see that? That was unreal. That's gotta be it. And the shoulder gets up in time. Oh, man, I don't know who to root for. आप दो लोगों से लड़ना पड़ेगा विराज को और ये विराज ये मैच हार सकते हैं बिना पिन हुए भी क्योंकि अगर आदि ने टाइसन को पिन कर दिया तो वो मैच जीत जाएंगे लेकिन आदि बाहर आते हुए किसी कारणवश टाइसन उठा के आदि को बाहर का रास्ता दिखा दिया ओ माय गॉड इधर टाइसन को विराज ने उठा के पटक दिया थोड़ा वेट करता तो आदि को जीतने देता फिर लो होने के बाद वापस करता टाइसन लेकिन टाइसन ने जल्दबाजी दिखाई और इधर आदि ऊपर उठ पा रहे नहीं रहे आदि अंदर आते हुए आदि वेट कर रहे कि भाई देखते कौन पहले ओ माय गॉड टाइसन ने आदि को उठा लिया अरे टाइसन क्या कर रहे ओ माय गॉड अगर ये सही टाइम पे विराज ने बचा लिया ओ भाई ट्रिपल थ्रेट मैच And he breaks free. But the damage might have already been done, Michael. Elusive movement there. Great agility there. Wow, what a sequence. And there the back of the neck. तीनों में घमासान भाई पता नहीं चल रहा है कौन किसको कब मारेगा ओ माय गॉड कुछ भी हो सकता है अरे बेबी डॉल लॉन्ग टाइम नवनीत रॉय हेलो नवनीत भाई कैसा रे रोमन भाई वेलकम ब्रो ओ माय गॉड टाइसन बनेगा चैंपियन नहीं आदि बनेगा चैंपियन विराज भाई बाहर लटके हुए अभी भी अंदर नहीं आ रहे ओ भाई तीन बार पटक दिया रे टाइसन टाइसन उठा लिए विराज को अपने हाथों में आदि को चक्कर आ रहे वो कुछ नहीं कर पा रहे यार आदि क्यों तू सब वाट लगा के रखे इसे देखो वो मार रहा है अरे मैच खत्म हो गया रे विराज जीत जाएगा लग रहा है अरे विराज रॉन्ग डिसीजन टाइसन हाँ टाइसन तूने बहुत जल्दी कर दिया रे जल्दी कर दिया तूने ओ माय गॉड विराज को उठा के पटक दे गया आदि नहीं आदि का टकला फोड़ दिया विराज ने उल्टा ओ भाई मारो मुझे मारो ओ खतरनाक किक मेरे को लग रहा है विराज वापस से फॉर्म में आ गए इधर टाइसन विराज को उठा के पटकते हुए अभी अगर टाइसन आदि को पिन करते तो वो जीत सकते हैं क्योंकि हालत खराब है आदि की बुरी तरीके से कुछ हिल डुल भी नहीं पा रहे वो और टाइसन ने अपने कब्जे में ले लिया आदि को ओ माय गॉड ओ माय गॉड सबमिट कर दिया आदि ने ये मैच हार गए आदि ओ माय गॉड ओ भाई भाई खतरनाक मैच ऐसा मैच कभी नहीं हुआ हमारे इस शो में क्योंकि आज पहली बार ये शो टेलीकास्ट हो रहा है मस्त तू मस्त बढ़िया 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 और टाइसन ने अपने मनी इन द बैंक को लगाकर एनकेस्ट करके ये मैच जीत लिया है विराज ये मैच क्या था विराज का कहना है कि ये मैच क्या था उन्हें समझ में नहीं आया कुछ भी विराज भाई मैं आपको समझाता हूँ विराज भाई रीमैच करो बकवास मैच ये मैच
They proved who the better competitor was tonight. We knew it would take the performance of a lifetime, and that's exactly what we got. कंप्यूटर को खेलने देते. There's your new champion, ladies and gentlemen. आदि और विराट के बीच ये मैच था, लेकिन एंड टाइम में ये महाराज आ गए मिस्टर टाइसन और उन्होंने इसे ट्रिपल थ्रेट बना दिया और जिसकी वजह से मैं ये मैच हार गया और विराट भाई अपना चैंपियनशिप खो बैठे. गैस आज का ये शो यहीं पे ख़त्म होता है. मुझे लगता है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इस मैच में जितना कि मुझे आया, उतना आप लोगों को भी मज़ा आया होगा.